अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स वेलकम बैक टू तो रुबीनाज किचन एंड डेली व्लॉग्स तो आज की जो रेसिपी है वो है टमाटर और मिर्ची का ठेचा ये बहुत टेस्टी बनता है और स्पेशली दाल चावल या फिर हमने खिचड़ी बना ली सादा सादा जब खाना बनता है ना उसके साथ तो ये बहुत गजब का लगता है तो चलते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की तरफ तो यहाँ पर मैंने ले लिए है दो जो गट्ठे होते हैं लहसुन के वो मैंने ले लिए यहाँ पर और इसके साथ में लगेंगे दो टमाटर और मैंने कुछ दस से पंद्रह जो है हरी मिर्ची ले ली थोड़ी फीकी वाली अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हो तो आप जो लौंगी मिर्ची होती है वो भी ले सकते हो और टमाटर की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो बस यहाँ पे मैंने दो टमाटर और पंद्रह से सत्रह मैंने यहाँ पर हरी मिर्चियाँ ले ली थी दो गट्ठे जो है वो लहसन के ले लिए थे जो हरी मिर्ची है उसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी ताकि वो घुलने में जो तवे पर हम इसको ठेचने वाले हैं तो उसमें आसानी हो जाए अगर वो अक्खी अक्खी होगी ना तो फिर वो थोड़ा मिक्स होने में ठेचे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो बस जैसे हमने मिर्चियों को कट कर लिया उसके साइड में मैंने तवे पे ना दो टेबल स्पून के करीब ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमको प्लेट के साथ में ही आ, मैंने कि प्लेट के अंदर जो हमने मिर्ची लहसन रखे थे उसको उसके साथ ही पलट देना है और दो से तीन मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जो भी लहसन है हरी मिर्च है उसको अच्छे से सॉफ्ट कर देगा उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सी नमक ऐड कर लेंगे जो थोड़ा यानी कि जो मिर्ची और लहसन के हिसाब से जो इसमें नमक लगना है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छे से हम खुले में पकने देंगे यानी कि अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं ढकना है इसको दो से तीन मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से टमाटर कट कर लूँगी और टमाटर मैंने आपको फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप टमाटर की क्वान्टिटी कम कर सकते हो यानी कि एक टमाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो तो फिर अच्छे से बारिक चॉप कर लेना है टमाटर को भी ताकि जो तवे पे हम जब इसको पकाएंगे तब ये भी अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ठेचे जाने में इसको भी हमको तो मतलब दिक्कत ना हो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा तो बारीक बारिक से मैं टमाटरों को कट कर लूँगी और इसके बाद हमको सेम जैसे हमने लहसुन और हरी मिर्ची को तवे पर डाला था वैसे हम इसको भी डाल देंगे थोड़े से मैंने बीच में तवे में जगह कर ली थी वहां पे जहां तेल दिख रहा था वहां पे मैंने टमाटरों को ऐड कर लिया है और टमाटर के हिसाब से भी हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और अब बारी आती इसको भी ढकने की तो बस जल्दी से जो सेम ढक्कन था उससे मैं इसको ढक लूंगी और इसको भी दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पर पका लूँगी दो से तीन मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा इसको चेक कर लूँगी ये अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं अगर ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो लहसन और हरी मिर्ची को हम सब इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और एक जो ठेचने वाला एक लकड़ी का आता है ना बस उसी से इसको ठेचना अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या लोटे से कर सकते हो बस शर्त ये होनी चाहिए कि तो थोड़ा सी लंबा होना चाहिए नहीं तो क्या होगा क्योंकि हम गरम गरम ही तवे पे चालू तवे पे यानी कि गैस नीचे से ऑन है और स्लो फ्लेम हम ये कर रहे हैं तो उड़ने का डर होता है थोड़ा सी ऑयल वगैरह तो बस इसीलिए थोड़ा सी लंबा रहना चाहिए जो भी जिससे भी आप इसको ठेचोगे तो मैंने यहाँ पर लकड़ी का ले लिया था ये इजीली अवेलेबल हो जाता है कोई भी बर्तन की शॉप वगैरह पे आराम से मिल जाता है ये बस इसको अच्छे से हम ठेच लेंगे ताकि जो लहसन है हरी मिर्च है टमाटर है वो एक जान हो जाए और यानी कि उसके ऐसे जाड़ा मोटा कुछ दिखना नहीं चाहिए पूरा इसके अंदर घुल मिल जाना चाहिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये ठेचने वाला काम लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनता है बहुत टेस्टी लगता है अगर दाल चावल के साथ आपने ये बना लिया ना तो फिर आपको कोई साइड में सब्जी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जिस दिन मेरा मन नहीं होता है ना कि मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो उस दिन मैं ठेचा वगैरह बना लेती हूँ तो अब ये देखिए कि टमाटर जो है इसका पानी पूरी तरह से नहीं सूखा हुआ था तो हम क्या करेंगे अब गैस को फ्लेम पे गैस का जो फ्लेम है उसको स्लो फ्लेम ही रखेंगे और इसका पानी सूखने तक इसको अच्छे से हम बार बार मिक्स करते हुए इसका पानी सुखा लेंगे इसको भी दो से तीन मिनट लगेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर खूब सारा आ, जो कोतमीर होती है जो हरा धनिया होता है उसको हम बारीक बारीक से कट करके इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भी तवीते की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा जो ठेचा है वो बनकर रेडी हो चुका है कर लेंगे जल्दी से हम गैस की फ्लेम को ऑफ और फटाफट से इसको निकाल लेंगे फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए तो मैंने एक डिश में निकाल लिया है इसको और बस इसके बाद हमने दाल चावल के साथ इसे इन्जॉय किया रोटी से भी बच्चे खाते हैं मैं भी खाती हूँ रोटी से ये रोटी से भी बहुत ज़बरदस्त लगता है तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद रखना